नमस्ते दोस्तों, मैं बीबी पाटिल टेक्नो सेवी टीचर सेकेंडरी यानी तंत्रशनी शिक्षक माध्यमिक TSTS चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी गोवा जैसे मैंने देखा। इस पाठ का स्वाध्याय भाग 2, इसके लेखक है विनय शर्मा। इसके पहले वीडियो में हमने स्वाध्याय का पहला पाठ देखा है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा बिंदु अभिव्यक्ति इस बारे में कृतियां। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृति क्रमांक 7, सोचिए और लिखिए। हमें इधर दृश्य शब्द को पर्यायवाची शब्द लिखना है, उसको उपसर्ग युक्त उसका शब्द लिखना है, विलोमार्थी शब्द लिखना है और प्रत्यय युक्त भी शब्द लिखना है। तो कृतियां आगे देखते हैं। दृश्य को पर्यायवाची शब्द है नजारा, उसको उपसर्ग अगर लगाएंगे, परि उपसर्ग लगाएंगे तो उसका शब्द बन जाएगा परिदृश्य। उसका विलोमार्थी यानी अपोजिट वर्ड है, दृश्य के अपोजिट वर्ड है, उसका विलोमार्थी शब्द है अदृश्य। उसको अगर हम प्रत्यय लगाएंगे, मान प्रत्यय लगाएंगे तो वो शब्द बन जाएगा दृश्यमान। ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे की कृति हमें अभिव्यक्ति के बारे में करना है। प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो दोस्तों यहाँ आप अपने खुद के विचार लिख सकते हैं। इधर कुछ मैंने अपने विचार दे दिए हैं। प्रकृति को सुंदर रखने में मेरा योगदान, प्रकृति को सुंदर बनाने में मेरा योगदान। प्रकृति है तो जीवन और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन के लिए प्रकृति की भी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। इस प्रकृति को साफ सुथरा रखने में आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। आज प्रदूषण की समस्याएं बहुत गंभीर बन चुकी है, इसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं हमारे सामने हैं। जल संकट, वन की कटाई, जंगली पशुओं के अधिवास नष्ट होते जाना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं हमारे सामने आज है। इस समस्याओं को हल करने में मैं एक आम नागरिक के तौर पर अपना योगदान दे सकता हूं। पेड़ पौधे लगाकर उसका संवर्धन करके, प्रदूषण पर उपाय करके, नैसर्गिक संसाधन का योग्य इस्तेमाल करके और निसर्ग का यानी प्रकृति का आदर करके, प्रकृति के समस्याओं के बारे में जागृति करके इसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये थे कुछ मेरे विचार, आप भी अपने विचार यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ आपके वैचारिक कौशल्य आपको प्रकट करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे की कृति भाषा बिंदु के बारे में, इधर कोष्टक में दी गई संज्ञा, कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सरणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेद सहित लिखिए। भयभीत गाय, यहाँ भयभीत विशेषण है और गाय संज्ञा है। वैसे नीला पानी, 10 लीटर दूध, 40 छत्र, कुछ लोग, 2 गज जमीन, वही पानी, यह लड़का। तो हमने यहाँ हमने कृति हल की है, संज्ञा उसका भेद, विशेषण और उसका भेद। पहले तो गाय जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण भयभीता, तो ये गुणवाचक है। पानी संज्ञा द्रववाचक है, नीला विशेषण गुणवाचक है। दूध द्रव्यवाचक है, तो 10 लीटर ये विशेषण परिणामवाचक है। छात्र संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, 40 विशेषण संख्यावाचक विशेषण है। लोक संज्ञा समूहवाचक है, कुछ विशेषण ये सार्वनामिक विशेषण है। जमीन संज्ञा जातिवाचक है, 2 गज विशेषण ये परिणामवाचक विशेषण है। पानी संज्ञा द्रव्यवाचक है, तो वही विशेषण सार्वनामिक विशेषण है। लड़का संज्ञा जातिवाचक है और यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण है। तो संज्ञा और विशेषण इनके भेद हमने इधर लिख दे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे की कृति है उपयुक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़े का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो विकृतियां आगे हमने हल किए, संज्ञा विशेषण और उसका वाक्य। पहली संज्ञा है भयभीत गाय। भयभीत गाय रमजान की ओर देखती रही, नीला पानी। दूसरी संज्ञा और विशेषण की जोड़ी, समंदर का नीला पानी बड़ा ही डरावना लगता था। तीसरा 10 लीटर दूध, संज्ञा विशेषण की जोड़ी, लक्ष्मी 10 लीटर दूध देती थी। चौथा 40 छात्र, इस संज्ञा विशेषण का जोड़ी का वाक्य है, 40 छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए। पांचवी संज्ञा विशेषण की जोड़े, कुछ लोग रेल से यात्रा करते हैं। छठी जोड़ी है 2 गज जमीन, इसका वाक्य किसान के लिए 2 गज जमीन भी महत्वपूर्ण है। सातवीं संज्ञा है वही पानी लेकिन उसका उपयोग अलग से किया है। आठवीं संज्ञा विशेषण की जुड़ी है यह लड़का एक दिन देश का नाम रोशन कर देगा। तो कुछ यहाँ हमने संज्ञा विशेषणों के जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे की कृति है, इस पाठ में प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढ कर उनकी सूची बनाइए। पाठ में बहुत सारे विशेषण आए, उनकी सूची हमने इधर बनाई है। पाठ में आए विशेषण, खूबसूरत समुद्री, सफेद, नीला, खूबसूरत, सांस्कृतिक, शीतल, सुस्वादु, शाकाहारी, स्थानीय, शांत, रोमांचक, थककर, रेतीला और गहरा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था गोवा जैसे मैंने देखा, इस पाठ का स्वाध्याय भाग 2। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इस स्वाध्याय के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो हमारा ब्लॉग है राष्ट्रभाषा tsts.blogspot.com को आप भेंट कीजिएगा, उधर आपको इसकी PDF भी मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का एक बार धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का एक बार धन्यवाद दोस्तों।